हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त बेसिक टेक बड़ी। आपके लिए फिर से एक न्यू कमर का वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा MI के ब्रांड न्यू लैपटॉप 14 नोटबुक के बारे में। उसका पूरा नाम है MI नोटबुक 14। उसमें जो दो वेरिएंट आते हैं, एक तो है नोटबुक 14 हॉरिजोन करके कुछ आता है, और जो दूसरा है वो सिर्फ MI नोटबुक 14 है। देख देंगे कि कौन से फीचर हमें MI प्रोवाइड करता है। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर MI ने बहुत ही ध्यान दिया है उसके वेट पर। यहाँ पर इसका वेट है 1.35 किलोग्राम, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही लाइट है। आपको जब ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत ही आपके लिए इजी रहेगा और यूज़र फ्रेंडली भी रहेगा ट्रैवल के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ ऐसी स्लिम बहुत ही डिज़ाइन इन्होंने बनाई है इस लैपटॉप के लिए। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि इसके जो पीछे का भाग है वो पूरा एकदम क्लीन है। यहाँ पर आप कुछ भी लोगोज अपना चिप कर सकते हैं, स्टिकर चिप कर सकते हैं, और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले जो है इसमें जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% है, और फुल HD डिस्प्ले आपको मिलेगी। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। मोबाइल TV और ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है स्मार्ट वॉच, उसमें तो MI वालों ने जो अपना पैर रख ही दिया थे। और अब लैपटॉप में भी जो Xiaomi है वो अपना जो आगे बढ़ रहा है लैपटॉप के लिए भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले जो है वो इसका बहुत ही बढ़िया दिया गया, क्योंकि स्मॉल साइज में थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले, एक्चुअली से बड़ा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये 14 इंच का जो डिस्प्ले है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट इसकी जो साइज़ है उसमें बहुत ही बढ़िया फिट होता है और इसकी बहुत ही कम बेजेस आपको देखने को मिल जाती है इसमें, जो कि जो उसका व्यूइंग एंगल है वो आपको 178 डिग्री का मिल जाएगा, जो कि लगभग अभी के सारे लैपटॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MI जो है वो जो मैकबुक है एप्पल का, उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल ही जो कीबोर्ड आता है वो देखने को मिल जाएगा। जो फुल साइज कीबोर्ड है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी बैकलिट LED लाइट या फिर RGB, तो क्या ही बात करें, यहाँ पर कोई बैकलिट LED लाइट भी नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसके पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इस पर USB Type-C पोर्ट, फिर उसके बाद आपको दो 3.1 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद एक HDMI पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, और दूसरी साइड आपको एक USB 2.0 पोर्ट, और एक अपना प्यारा दुलारा 3.5mm जैक आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला वेरिएंट है इसका MI नोटबुक 14 हॉरिजॉन, दूसरा वेरिएंट है वो है MI नोटबुक 14, और तीसरा जो है MI नोटबुक 14 का ही एक डिग्रेडेड वर्जन है इसके, जो थोड़ा सा सस्ता आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले MI नोटबुक 14 हॉरिजॉन में देखते हैं। तो इसमें आपको प्रोसेसर जो है वो इंटेल i7 10th जनरेशन देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक कार्ड और डेडिकेटेड है NVIDIA का GeForce MX 350, जो कि 2 GB के साथ में आता है। रैम सभी में आपको 8 GB की मिल जाएगी DDR4। और जो स्टोरेज की अगर हम बात करें इस पहले वेरिएंट में, जो कि हॉरिजॉन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको 512 GB की SSD मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे वेरिएंट में, जो कि कॉमन रहेगी कि एक जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो आपको सेम NVIDIA का GeForce MX 350, रैम 8 GB, और स्टोरेज स्पेस भी सेम 512 512 GB की SSD भी सेम रहेगी, बट जो प्रोसेसर है वो चेंज हो जाएगी, उसमें आपको i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा। अभी लास्ट जो वेरिएंट है वो इसका एक डिग्रेडेड वर्जन है, जो कि उसमें आपको सिर्फ जो SSD है उसको घटा करके आपको मिल जाएगी 256 GB की SSD, और ग्राफिक कार्ड भी आपको डेडिकेटेड उसमें नहीं मिलेगा, जो कि आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेंगे इंटेल की तरफ से, और प्रोसेसर जो है वो सेम रहेगा i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर। गेमिंग के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर MI वाले बोलते हैं कि GTA 5 और Fortnite जो है वो अच्छे खासे 40+ या 50+ FPS पे चल जाएंगे,
बट वो एक मीडियम लेवल तक ही आपको गेमिंग कर पाएगा, क्योंकि ये लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आप मेरे लैपटॉप HP Pavilion 15 इसी की गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू देख लेंगे तो यहाँ पर आपको आई बटन पर देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कूलिंग फैन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि i7 प्रोसेस के लिए थोड़ा सा छोटा पड़ सकता है इसके लिए, क्योंकि इसके कंपेटेबल जो सारी कंपनियाँ हैं उसमें आपको i7 के साथ में लिक्विड कूल सिस्टम या फिर ड्यूल कूलिंग फैन आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कूलिंग फैन देखने को मिल जाएगा। देखते हैं कि क्या इसमें कुछ हीटिंग इश्यू आते हैं कि नहीं आते, तो वो तो आपको यूज़र ही बता पाएंगे इसके लैपटॉप के। इसकी जो बैटरी है वो आपको करीबन 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप जो दे देगी, और जो चार्जर है वो आपको 65 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 35 मिनट्स में 50% बैटरी जो है चार्ज करके दे देगा। फिर हम बात करेंगे इसकी कैमरा के बारे में। यहाँ पर आपको जो वेबकैम है वो आपको डिस्प्ले में इनबिल्ट नहीं बैठता है, यहाँ पर आपको कुछ एक्सटर्नल कैमरा के कुछ सेटअप यहाँ पर MI वाले आपको दे देंगे, जिसको आपको USB थ्रू कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से और अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसे लगा देना है। ये फीचर जो मुझे थोड़ा सा आपके लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा, क्योंकि बार बार आपको कैमरे पर लगाना पड़ेगा, USB चढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा MI वाले डिस्प्ले में आपको एक कैमरा अच्छा सा दे देते तो थोड़ा सा बेटर रहता आपके लिए। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इंडिया में ये लैपटॉप जो है i7 वाला वेरिएंट जो है वो आपको करीबन 55,000 तक की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा, और जो i5 वेरिएंट है वो आपको करीबन 42,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एक तरफ हम बात कर रहे हैं बॉयकॉट चाइना की तरफ, और MI ने यहाँ पर अपना एक लैपटॉप जो है लॉन्च कर दिया है। देखते हैं कि ये लैपटॉप क्या इंडिया में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। तो इस वीडियो को आपको लाइक करो, शेयर करो और उस लाल बटन को बस ऐसे दबा दो, और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।